गार्डनिंग में अक्सर एक बात कही जाती है, प्लांट्स को अच्छा खाद पानी दोगे तो उनमें खूब फूल और फल लगेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक खाद और पानी देने में ही करते हैं। या तो लोग पौधों को बहुत ज़्यादा खाद पानी दे देते हैं या फिर इसमें कमी हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन आप ये समझ गए, सीख गए कि आपके प्लांट्स को कितना खाद और पानी चाहिए, उस दिन आपका टेरेस गार्डन भी खूबसूरत प्लांट्स और फ्लावर्स से महक जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं जितेंद्र पॉट गार्डनिंग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पौधों को खाद देने का सही तरीका, वो टिप्स जिनका ख्याल रखना जरूरी है। तो आप पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से बात करते हैं अपने टॉपिक की। मैं आपको ऐसी खाद और उर्वरक के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फूल फल या सब्जी वाले पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, आप पौधों के लिए दो तरह की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में सबसे कॉमन है गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। आप नीम और सरसों की खली का भी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस के कंपाउंड वाले होते हैं। इसके इस्तेमाल से मिट्टी कम समय में ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इनके इस्तेमाल का एक ड्रॉबैक भी है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़मीन में पोषक तत्वों का असंतुलन हो सकता है जिससे आगे चलकर मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। मेरी सलाह है कि आप अपने पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें, ये हमारे पौधों के लिए सेफ हैं, साथ ही इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हैं। दोस्तों, गमले या ग्रो बैग में लगे पौधों में कलियों के डेवलपमेंट और फूल खिलने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल फास्फोरस होता है। फास्फोरस न सिर्फ फूल बल्कि जड़ों के विकास में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा बोरॉन, कॉपर और पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए मददगार होते हैं। अब कुछ कॉमन सवालों के बारे में आपको बताता हूँ, जैसे गमलों के लिए कौन सी खाद सबसे सेफ है, गमलों में खाद कब देनी है और कितनी देनी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए अच्छे रहते हैं। सबसे अच्छा रहेगा आप पुरानी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें, गोबर की खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। बोन मील भी अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छी नर्सरी में मिल जाता है। मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली या फिर नीम की खली या केले के छिलकों से भी घर पर अच्छी खाद बनाई जा सकती है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक डाल रहा हूं, अगर आप चाहें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं खाद कब देनी चाहिए। आप नया पौधा लगा रहे हैं तो गमले की मिट्टी तैयार करते समय खाद डाली जाती है। आप दूसरी बार खाद तब डालेंगे जब पौधे में कलियां दिखने लगेंगी। इसके बाद एक बार खाद तब डालेंगे जब फूल खिलेंगे। वैसे महीने में एक बार खाद डालने से पौधे हेल्दी रहते हैं।
अब सवाल है कि कितनी खाद डालें। छोटे पौधों में मुट्ठी भर खाद और बड़े पौधों में दो मुट्ठी खाद काफ़ी रहती है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खाद देने से भी पौधा खराब हो सकता है। बोन मील कम मात्रा में दिया जाता है, 1 से 2 चम्मच गमले और पौधे के साइज़ के हिसाब से देना चाहिए। इस्तेमाल से पहले आप एक बार पैकेट पर लिखे डायरेक्शन ज़रूर पढ़ लें। कुछ और बातें हैं जिनका खाद देते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या हैं वो बातें, इन्हें ध्यान से नोट कर लीजिए। कोशिश करें खाद एक ही जगह पर इकट्ठी ना हो, बल्कि पूरी मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो खाद डालने के बाद आप खुरपी की मदद से उसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दीजिए। आउटडोर पौधों में सुबह या देर शाम को खाद डालें। सुबह खाद डालने से पौधों को अधिक से अधिक पोषक तत्व सोखने में अच्छा मौका मिलता है। गमले या ग्रो बैग में लगे पौधों को खाद देते समय ध्यान रखें कि पौधे के तने और जड़ों से कुछ दूरी पर खाद डालें, क्योंकि बहुत अधिक खाद होने पर पौधे के तने यानी स्टेम को नुकसान होता है। कई बार तना सड़ जाता है। गर्मियों में कम खाद देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि खाद डालने से मिट्टी में गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में इससे रूट खराब होने का खतरा रहता है। खाद तभी दें जब गमलों की मिट्टी सूखी हो। खाद देने के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लें। खाद और उर्वरक डालने के तुरंत बाद गमले या गार्डन की मिट्टी में पानी ज़रूर डालें। किसी भी फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पहले उसके पैकेजिंग लेबल पर दिए गए डायरेक्शन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों, ये हैं वो तमाम टिप्स जिनका ध्यान रखकर आप अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजर देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और उसमें खूब ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।